हसाना बहुत मुश्किल है, बहुत औखा है। मैं अच्छा लग रहा कि मैं डिफरेंट रोल दे विच इहदे च आया। फरवरी दे विच मेरे 50 साल इस इंडस्ट्री दे विच कैमरा फेस कीते नूं हो जाने हैं, शक्कर पारे अपना मूँह मिठा करके जान। सत श्री अकाल जी, विजन पंजाब टीवी देख रहे हो, मैं हाँ तुहाडे नाल नुक्ता। इस वेले साडे नाल शक्कर पारे मूवी के जिहड़े किरदार ने शविंदर महल जी, मौजूद ने। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सर। पहले तो बहुत बहुत बधाई है, जो ट्रेलर रिलीज़ हो गया तो 5 अगस्त को मूवी आ। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। थोड़े चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को भी बस थैंक्स कहंगा कि आने वाले 5 तरीक न 5 अगस्त को ये फिल्म देख, शक्कर पारे अपना मूँह मिठा करके जान, तुहानू अच्छा लगेगा। और नाल नाल मैं भी कहांगा कि मेरी दूसरी फिल्म भी 5 तरीक नूं ही रिलीज़ हो रही है, जिंद माही। वो अलग है और सबजैक्ट है, अलग टाइप की कहानी। इहदे च मेरा कॉमिक वे दे विच हैगा, पर असी कोशिश तो की है, कर भी रहे हैं कि दोहे अलग अलग दे विच आ जाण, पर दोहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहते ने कि एक दिन तो साडियां दोहे फिल्मां देखिया जाण। तो मैं अच्छा लग रहा कि मैं डिफरेंट रोल दे विच इहदे च आया। जिवें तुसीं दस्सी दित्ता कि कॉमिक रोल तुहाडा इस मूवी दे विच है, उवें भी तुसीं हरेक किरदार दे विच डिफरेंट करन दी कोशिश करदे हो ते बहुत ही फब्बदे हो। ते हुण तुहाडा कॉमिक रोल है जिहड़ा एक पुलिस ऑफिसर दा, तुहानूं लग्गा है ना, उहदे विच तां होर भी ज़्यादा जिहड़ा उभर के फब्बदे पए हो तुसीं। हाँ, क्योंकि सब तो पहली चीज़ तो यह है कि मेरा ख्याल है भी मेरे ज़्यादा रोण धोण दे सीन होए हैं या कड़क किरदार किए मैं। तो कॉमिक दे भी 3-4 किए, लेकिन कहावत हैगी है कि हसाना बहुत मुश्किल है, बहुत औखा है। वो जमाना लंघ गया कि जो मूँह बना के टेढ़े मेढ़े तौर के उत्ते इस तरह करके तुसीं लोगों को हसाने की कोशिश करते सी। हुण इहदे विच इह है कि कहानी दे वेदे जी कहानी की डिमांड करती है, उस दे विच अपने आप नूं ढाल के लोगों को हसाना इज़ नॉट ए जोक, डिफरेंट थिंग है। सो कोशिश की है, देखते हैं कितने तक असीं कामयाब होए हैं। सर कहते होंगे कि यूं ही नहीं लगी होती हथेलियों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, एक किन्नी का सच मानते हो इस गल? बिल्कुल बिल्कुल, तुसीं मेरे कहने तो पहले ही तुसीं सारा कुछ बोल दिता है। मेहनत चाहिए है, जब तक देखो रोटी भी किवें बनती है, रोटी सीधी तो नहीं थाली दे विच आ जाती है, उन्हें 6 महीने किसान पहला बीजदा है, तैयार करता है, लिया के मंडी सुटता है, घाटा पीसया जाता है, फिर किस किन्निया शेप्स दे विच बदल के वह रोटी की शेप बनती है, और रोटी साड़ी भुख मिटाने वास्ते वो किस तरह किहड़ी किहड़ी स्टेजेस तो घूम गुजर के आके साड़ी तां साड़ी भुख मिटदी है, किड्डी मेहनत हुई है किसान की मेहनत तो लैके। तो सेम ये है कि असी जिहड़े काम करते हैं, जो किसी तरह के भी असी कोई बिजनेस करते हैं, कोई जिहड़े जिहड़े डिफरेंट ट्रेड्स दे विच काम करते हैं, हर चीज़ मेहनत मंगती है। हाँ, उदी है कोई सुपर नैचुरल पावर भी नाल है, जिदे नाल की है सानू थोड़ा जा पॉजिटिव होना चाहिए है, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। 24 घंटे असी नैगेटिव सोचते रहेंगे कि होएगा नहीं होएगा, हुंदा है नहीं हुंदा, उत्थे थोड़ा जा डामन डोल हो जाता। मेहनत का नतीजा है कि तुहानू 50 साल जिहड़े पूरे होने लगे ने इस जगह। हाँ, 50 साल मेरे अगले फरवरी दे विच मेरे 50 साल इस इंडस्ट्री दे विच कैमरा फेस कीते नूं हो जाने हैं। सो मैनू बहुत अच्छा लग रहा है कि मैनू इस साल 2-3 अवार्ड नाल नवाजिया गया डिफरेंट डिफरेंट कंपनी साइड तो, ते मैं उन्हां दा बहुत बहुत शुक्र गुजार हाँ। परमात्मा उन्होंने दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दवे, ते बाकियों नू भी मैं कहांगा कि अपनी मेहनत करते रहो, चलते रहो, कारवां चलता रहेगा, जरूर जरूर एक ना एक दिन तुहानू सक्सैस मिलेगी। कभी तो लहर आएगी, कभी तो लहर आएगी, बहुत ही इंतजार करो, डेफिनेटली यू विल गैट सक्सेस। तुसी इन्ने सालों तो इस इंडस्ट्री दे विच काम कर रहे हो, तो जिवें हुण नवे आर्टिस्ट जिहड़े नवे कलाकार आ रहे हैं, उन्होंने नाल काम करके किदां दा तजुर्बा महसूस हो? बहुत अच्छा, एक तो एक अच्छे कलाकार ने, बहुत है, हुण सीख के भी आ रहे हैं। वो साडा जमाना अलग सीगा, इस तरह सातों पहला सी धर्म जी नहीं आए, उस तो पहला होर बहुत सीगे, उदों कोई स्कूल नहीं सी, कोई कुछ नहीं सीगा, लेकिन हुण की है बकायदा सीख के आ रहे हैं मुंडे, और एक शौक दे नाल नाल हुण तां बड़ा ईजी हो गया। डेली उन्हां दी ट्रेनिंग हुंदी है, मोबाइल दे उत्ते ही लग जांदे आ अपने अपने स्किट करन, उहदे नाल की उन्हां दा एक किस्म दा डिफरेंट काइंड ऑफ रियाज़ शुरू है, छोटी छोटी
स्किट्स बना रहे हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं आप इकट्ठे तीन चार कर तुसी देख रही हैं सोशल मीडिया च किस तरह के आ रहे हैं, वह उन्होंने एक किस्म का रियाज है। और साढ़े पंजाब एक तो एक कलाकार ने, एक तो एक ने सानू असी तो आशाश कर उठते हैं कि भी वाह परमात्मा करे इन्हों तरक्की बख्शे। सर कितना का डिफरेंस देखते हो आज के टाइम पंजाबी इंडस्ट्री के कितना बदलाव होया? बहुत, जमीन तो आसमान। असी जदों असी आए उदों असी पंजाबी फिल्मों च फिर आए थी, असी मंजियां ते बैठ के छोटी छोटी कुर्सियां ते बैठ के मेकअप करना, कोई वैनिटी नहीं होंदी सी, कोई इस तरह की टैक्नीशियन भी नहीं सी होंदे। हुण ते एक टैक्नीशियन ने, एक ते एक कहानियां है, ते बड़ा अच्छा डिफरेंट लग रहा है। ते हुण अच्छियां फिल्मां बन रही हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। एक गल होवे तो मैं दसा बहुत, तुसी भी आप महसूस करो, पुरानी फिल्मां चक के देख लो, कुछ एक लाख दे विच फिल्म बन जाती हुण करोड़ों च बन रही है ना। ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਕੋਮਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਬਈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਹਰ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਖਾਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਵਰੁਣ ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਹ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਮਾਈ ਡੀਅਰ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ।